फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है वर्ब्स। वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इससे पहले हम तीन टॉपिक कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट टॉपिक था हमारा नाउन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और उसकी सेम ही क्या होगी, डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमने किया था प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब बताया था मैंने आपको सर्वनाम, उसकी भी सेम डेफिनेशन होगी। जो वर्ड्स हम संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, मतलब प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड था हमारा टॉपिक फ्रेंड्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का यूज़ कब करते हैं, हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। तो फोर्थ नंबर टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स वर्ब्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब्स क्या होती हैं, हिंदी में वर्ब्स को क्या बोलते हैं, क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, एक्शन और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। कि जो एक्शंस होते हैं, जो कोई काम हम करते हैं, और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, उनको उसको ही कोई काम करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया से ही पता चल रहा है काम, कोई काम का होना या करना। फॉर एग्जाम्पल, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। तो ये सभी क्या हैं फ्रेंड्स, इसके वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि जिस काम में कोई एक्शन हो, जैसे हम खाते हैं तो हमारे हैंड्स मूव करते हैं, हमारा माउथ है वो मूव करता है। ड्रिंक पानी पीते हैं, उसमें भी एक्शन है। रन भागते हैं, उसमें हम भागते हैं, उसमें भी एक्शन है। प्ले हम खेलते हैं, उसमें भी एक्शन है। रीड, रीड हम कर रहे हैं तो उसमें भी एक्शन है। और राइट करेंगे, उसमें भी क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये वर्ब्स हैं जो नाउन से कैसे अलग है। नाउन तो किसी पर्सन का नाम हो गया, अगर वही पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो क्या हो गई, क्रिया हो गई, वही वर्ब हो गई वो। तो फ्रेंड्स इसके यूजेस देखिए, इसके यूजेस हैं, वी यूज वर्ब्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। कि हम वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट फ्रेंड्स डूअर को बोलते हैं, जो व्यक्ति वो काम को कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने नीचे लिखे हुए हैं, उसके थ्रू आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो द बॉयज़ तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं, तो बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया। बॉयज़ के जस्ट बाद हमने क्या ऐड किया है, प्लेइंग। तो बॉयज़ प्ले कर रहे हैं, तो प्लेइंग किसके लिए आया, यहाँ पे बॉयज़ के लिए आया। तो ये किसकी वर्ब है, बॉयज़ की, सब्जेक्ट की। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, कि जो लड़के हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस इज, द स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या रीड करते हैं, चैप्टर कौन रीड करते हैं, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है इसमें, रीड। थर्ड सेंटेंस इज, मोहन, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टिंग में आ गया, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब आती है। तो इसमें वर्ब क्या आ रही है, वाटर्स। मोहन वाटर्स दी प्लांट्स। मोहन क्या देता है, पौधों को पानी देता है। फोर्थ नंबर इज, संगीता सिंग्स ब्यूटीफुली। अब संगीता यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन गाती है सुंदर, संगीता। तो संगीता के लिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किए सिंग, संगीता सिंग्स ब्यूटीफुली। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है, वी वर्शिप गॉड। हम भगवान की पूजा करते हैं, तो कौन करता है भगवान की पूजा, हम करते हैं। तो पूजा करना किसके लिए आया है, वर्शिप हमारे लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में अच्छे से अब तक पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।